नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पूरा तमाम विद्यार्थियों तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को ऑब्जेक्टिव मैराथन मिल रहा है और ऑब्जेक्टिव मैराथन में आज हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं और फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव सेशन में प्रकाश के परावर्तन की तरफ बढ़े थे और प्रकाश के परावर्तन में पहला वीडियो आप सभी को मिल चुका है, 15 इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस। आज हम लोग फिर अगले 15 सेलेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज का 15 हॉट कलेक्शन इस प्रकार है। जो पहला सवाल कहता है, पहले सवाल को कहते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु के दर्पण का क्या कहलाता है। आपके पास एक दर्पण है, ये गोलीय दर्पण में आपको कल समझाया था कि दर्पण जो होता है वो मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलिक दर्पण। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण का जो मुख्य भाग होता है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ध्रुव, या इंग्लिश में बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसलिए जो सवाल है वो कहता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु के दर्पण को क्या कहते हैं, तो दर्पण का वो ध्रुव कहलाता है, दर्पण का पोल कहलाता है। अगला सवाल है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। किसी बिंदु वस्तु से आती समांतर प्रकाश किरणें जब किसी बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन कहता है कि किसी बिंदु वस्तु से आती समांतर प्रकाश किरणें जिस किसी बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। कटती है और कटती हुई मालूम पड़ती है, कटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, मालूम पड़ती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। अगला सवाल है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के ऋणात्मक मान को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं, आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, m से सूचित करते हैं। इसका फार्मूला होता है -v/u। आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई -v/u, ये वाला फार्मूला होगा। अगला सवाल है दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण फार्मूला जो होता है 1/v, 1/u और 1/f। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में एक संबंध बनाया गया और कहा गया 1/1 वस्तु दूरी प्लस 1/1 प्रतिबिंब दूरी बराबर 1/1 फोकस दूरी, यानी 1/v + 1/u = 1/f। ये फार्मूला है आपका, याद रखिए। दर्पण से तो ऑब्जेक्टिव पूछता है प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट जो है एक एनर्जी का है। कभी काल प्रकाश ऊर्जा है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश जो होता है वह अपने साथ हीट एनर्जी को लेकर के आता है, इसलिए वह एक ऊर्जा का साधन। और लगभग ब्रह्मांड में जितने सारे पिंड हैं, जितने सारे ग्रह हैं, जो भी चीज़ है, सबके एनर्जी का स्रोत जो है वह क्या है, सूर्य ही है, प्रकाश ही है। अगला सवाल, गोलीय दर्पण को बाहर से पेंट कर बनाया जाता है क्या। देखिए, गोलीय दर्पण को जब दो भागों में काटिएगा तो एक भाग काट दिए तो इस प्रकार होगा, तो इसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है, बाहर से पेंट कर देंगे तो धंसा हुआ मिले, जैसे काटे ना बाबू, तो ये दो भागों में कट के निकल गया, तो इस तरह कंडीशन का होगा। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ आपको प्रति दिखाई दे वह अवतल दर्पण होता है। तो बाहर से पेंट करेंगे तो अवतल दर्पण तैयार हो जाएगा। प्रकाश गमन करता है, प्रकाश जो है वो हमेशा, लाइट इज ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम सीधा, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला सवाल है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वह होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है निर्वात में, क्योंकि निर्वात में कोई उसको रोकने वाला नहीं होता, ना ही कोई उसकी मीडियम होती है जिसे वो तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन बात किया जाए ध्वनि का, साउंड का, सबसे कम किस में होता है, तो निर्वात में होता है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रकाश खुद एक माध्यम है। सवाल पूछता है लाइट क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, तो जवाब देते हैं प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन ध्वनि जो है, साउंड जो है, साउंड को बोलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती, माध्यम की। बिना माध्यम के हम प्रकाश को, साउंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है साउंड को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, तो ऊर्जा जो है, प्रकाश जो है वो निर्वात में सबसे अधिक चलती है, और जो ध्वनि जो है वो निर्वात में सबसे कम होता है उसका स्पीड। प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश का स्पीड यानी सनलाइट
या स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, प्रकाश की जो तीव्रता है वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला सवाल है, अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उसी तरह जब उत्तल को लीजिएगा तो अपसारी हो जाएगा। अगला सवाल है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है या आई बराबर आर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये साफ साफ आप कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के बराबर होता है, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। तो ये बोल सकते हो आपतन कोण के बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश जो तरंग है उस तरंग का नाम है अनुप्रस्थ तरंग। दो तरह की तरंग होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश की जो तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश की जो सीधी रेखा में गमन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग साउंड का होता है जो ऊपर नीचे होकर के चलता है। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल कितनी है? तो प्रकाश की चाल है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 पर 8 को 0 रख लीजिए, पढ़ दीजिए इकाई दहाई, जितना आएगा वही आंसर होगा। अगला है, प्रकाश की चाल की सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? भाई प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात करने वाले व्यक्ति का नाम है, उनका नाम क्या है? सर आइजक न्यूटन, उनका पूरा नाम है, न्यूटन साहब ने इसकी खोज की थी। उम्मीद करते हैं कि आज का 15 सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो लाइक करना मत भूलिए, मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय शनपुर। थैंक यू।